महाराष्ट्र के जालना जिले के अंतरवाली में मराठा आरक्षण के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसमें महिलाओं और लड़कियों समेत कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इस घटना का असर पूरे महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई है। उधर जालना में हुई इस घटना के विरोध में मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से जालना और बीड में आज यानी शनिवार को बंद का आह्वान किया है। जालना जिला मराठा मोर्चा अनुरोध कर रहा है कि सभी जालनाकारों को स्वस्थ सुविधाओं स्कूलों और कॉलेजों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों परिवहन बाजार स्टॉलों को बंद रखकर सहयोग करना चाहिए। दरअसल आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जारांगे समेत 10 लोग भूख हड़ताल पर थे। गुरुवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से विरोध किया गया। आज बाद में जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पहले पथराव हुआ और फिर लाठीचार्ज किया गया। आक्रामक प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस ने हवा में 2 राउंड फायरिंग की। पिछले 4 दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा था, प्रदर्शन हिंसक हो गया। इस घटना का असर राज्यों के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिला है। धूले सोलापुर हाईवे पर कुछ बसें जला दी गई। अब पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कल जालना बीड जिले में बंद बुलवाया गया है। मराठा क्रांति मोर्चा के आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मी घायल हुए हैं। प्रभारी सर्जन डॉक्टर प्रताप घोड़के के अनुसार घायल पुलिस कर्मियों और नागरिकों को जालना के जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया है और उनकी संख्या 53 है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है।